हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल वेलकम है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दी गई नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी वीडियोस देखते रहें। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा क्लास 11th की केमिस्ट्री से है, चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़। एंड फिर मैं आपको बता दूं, ये इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इस टॉपिक पर हर बार शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है और कई बार 2 या 3 मार्क्स में टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाता है। सो फ्रेंड, आज हम इस टॉपिक को पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है और एग्जाम में इस पर कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है फ्रेंड, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड, जो एबिलिटी होती है एटम की किसी भी केमिकल कंपाउंड में शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जो एबिलिटी होती है एटम की केमिकल कंपाउंड में शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। आप शेयर इलेक्ट्रॉन्स बोल दो या शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर बोल दो, बात एक ही है फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं फ्रेंड इसे वर्ड्स पे लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन टू इट्सेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है फ्रेंड, तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन है। फ्रेंड, यहाँ पे जो इट्सेल्फ वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, इट्सेल्फ तो मतलब होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। क्या मतलब होता है? अपनी तरफ। और यहाँ पे फ्रेंड आप एबिलिटी की जगह टेंडेंसी भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मुझे यहाँ पे एबिलिटी आसान लगा डेफिनेशन में, इसलिए मैंने एबिलिटी यूज़ किया। आपको टेंडेंसी यूज़ करें, टेंडेंसी यूज़ कर सकते हो। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि बहुत बुक में टेंडेंसी वर्ड भी यूज़ किया गया है। तो जो वर्ड आपको कन्वीनियंट है, आपको जल्दी याद होता है, वो आप वर्ड यूज़ कीजिए। दोनों वर्ड बिल्कुल सही है। एबिलिटी यूज़ करोगे तब भी बिल्कुल सही है, टेंडेंसी यूज़ करोगे तब भी बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन हो गई है। अब मैं फ्रेंड्स आपको कुछ बातें बताऊंगा, वो बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। फ्रेंड, आपको पता ही है कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है वो 2 चीज़ों में डिवाइड होता है, एक तो ग्रुप्स में और दूसरा पीरियड में। पता है बात आपको? सो फ्रेंड, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं, मतलब ऊपर से नीचे आते हैं, तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पीरियड के केस में क्या होता है कि जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, मतलब आप क्या करते हो, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, बाएं से दाएं जाते हो, तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो, मतलब बाएं से दाएं जाते हो, तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ग्रुप के केस में एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है जब आप टॉप से बॉटम आते हो, और पीरियड के केस में एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, मतलब बाएं से दाएं जाते हो। ठीक है ना, अब इस बात को लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा।
सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। इन अ ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे। इन अ पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये दो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, आपको ध्यान रखनी है। जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या राइट अ शॉर्ट नोट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको ये बातें मेंशन करनी है, ठीक है ना, कि ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है और पीरियड में बढ़ती है, ठीक है ना। ये बात आपको मेंशन करनी है। कंडीशन क्या है कि जब ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हो मतलब ऊपर से नीचे जाते हो तो घट जाती है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो मतलब बाएं से दाएं जाते हो तो बढ़ जाती है, ये बात आपको मेंशन करनी है। अब फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि हमारे तीन एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, और आई थिंक आपको एलिमेंट पता भी होंगे। तो फ्रेंड वो तीन एलिमेंट है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए हम इन एलिमेंट्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा होगा, जब मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराया था तो मैंने बताया गया कि इसमें हम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, वो कौन से हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, इसलिए वहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि वो तीनों हमारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है फ्रेंड कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हमारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो इस बात को लिख दे तो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसलिए तीन एलिमेंट हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज़ होते हैं। आपको इन्हें याद करने के लिए बताऊँ, आप इन्हें फोन की तरह याद रखो, FON, एफ मतलब फ्लोरीन, ओ मतलब ऑक्सीजन, एन मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। फोन की तरह आप याद रखोगे, हमेशा याद रहेंगे, मैं लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा ये बात। इन तीनों को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका फोन है, ठीक है ना, अब आप इन्हें कभी नहीं भूलोगे। अब फ्रेंड्स आपको एक छोटी सी बात और याद रखनी है कि जो हमारी इनर्ट गैसेस होती है जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, इन सारी गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जीरो होती है, मतलब नील होती है। मतलब जितनी हमारी इनर्ट गैसेज होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, उन सारे इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हमारी नील होती है, नील मतलब जीरो होती है। मतलब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनर्ट गैसेस के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव बिल्कुल जीरो होती है, ठीक है ना। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी बात आपको मेंशन करनी पड़ेगी जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिव टॉपिक एक्सप्लेन करोगे, उस पर शॉर्ट नोट लिखोगे, ठीक है ना। इसलिए ये मैंने बात आपको बताई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ इनर्ट गैसेस इज नील। नील मतलब होता है जीरो। नील मतलब क्या होता है, जीरो। कि मतलब जितनी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस होती है जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन हो गई, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जीरो होती है। कौन सी वैल्यू जीरो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इनकी जीरो होती है। तो आपको बात ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यही हमारा छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसमें मेन डेफिनेशन थी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, दूसरी कंडीशन थी कि पीरियड टेबल में पीरियड्स में क्या होता है, ग्रुप्स में क्या होता है, और तीसरी ये कंडीशन थी कि इनर्ट गैसेस के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होती है। तो आपको कुछ बातें इसमें याद रखनी है।
ये बातें आप याद रखोगे, आपको शॉर्ट नोट में फुल मार्क्स मिलेंगे, टॉपिक एक्सप्लेन करने के आते तब फुल मार्क्स मिलेंगे। नील का मतलब जीरो होता है, इसमें मैंने बैक में लिख दिया, इससे कन्फ्यूज ना हो और आपको लगे कि नील क्या होता है, क्योंकि बहुत बच्चे समझ नहीं पाते कि नील का क्या मतलब। नील मतलब जीरो होता है फ्रेंड, शून्य मतलब जीरो, क्योंकि वैल्यू जीरो होती है। इसमें मैंने बैक में मैंशन कर दिया कि उसका मतलब जीरो है। मैंने यही हमारा पूरा टॉपिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सो फ्रेंड्स, आज हमने पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक डिस्कस किया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड आप इस वीडियो को मेरी लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दी गई नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी वीडियोज़ देखते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड, अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आए, तो फ्रेंड आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के मुझसे पूछ सकते हो। और फ्रेंड, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो और बनाता रहूँ किसी टॉपिक पे, किसी भी चैप्टर की, तो फ्रेंड आप मुझे कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा, मैं उस वीडियो ज़रूर बना दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।